फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट कैसे बनाएं, ट्विटर ऐप को कैसे यूज करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आपका समय कीमती है। सिंपल आपको अपने मोबाइल में ट्विटर एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम ट्विटर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या फिर ट्विटर ऐप को ओपन करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्विटर की आईडी बनाने के लिए, ट्विटर का नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ दिलशाद, और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लिया है। उसके बाद अगर आप अपना ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज ईमेल पर क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल नंबर की जगह आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, आप अपना फोन नंबर डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यूज फोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर फोन नंबर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी के लिए अपनी ईमेल आईडी यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है, और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। वैसे दोस्तों ये टिक डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर क्लिक होता है, अगर ये टिक यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। अब दोस्तों होगा क्या, अगर आपने अपना ईमेल आईडी दिया है तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, और अगर आपने अपना फोन नंबर दिया है तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो हम अपनी ईमेल आईडी पर जाकर देख लेते हैं हमारे पास कोड आया है या नहीं। अब हम चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट में, और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्विटर की तरफ से हमें एक मेल आ चुका है। हम यहाँ पर इस मेल को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस मेल को ओपन करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक कोड आ चुका है। तो हमने यहाँ पर अपना कोड डाल लिया है। आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है तो ये कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, और अगर आपने ईमेल आईडी दी है तो ये कोड आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। तो हम अब यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, और अब आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। आपको यहाँ पर 6 अंकों का अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो हम यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लिया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना है, जो भी आप पासवर्ड बनाओगे उस पासवर्ड को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। आप चाहे तो बाद में भी अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड कर लेता हूं। तो हम यहां पर एक बार क्लिक करते हैं। अब हम यहां पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे मोबाइल की गैलरी ओपन हो चुकी है। आप अपने मोबाइल की गैलरी से अपना कोई फोटो ले लीजिए, और यहाँ पर आप अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, किस साइज में आप ट्विटर पर फोटो लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पर एक बार क्लिक करना है, और अब ट्विटर अकाउंट में आपका फोटो लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, आप क्या करते हैं, जो भी आप अपने बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ। और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और अब अगर आप अपने एड्रेस बुक से दोस्त ढूंढना चाहते हैं जो नंबर आपने सेव किए हैं, अगर उनका अकाउंट ट्विटर पे है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो लोग मैच हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देख लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे सामने आ चुके हैं जो हमारे नेवर बाय में रहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इन्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी भाषा सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी इंग्लिश भाषा सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं हिंदी पर भी क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और अब आपको यहाँ पर ट्विटर वालों को अपना इंटरेस्ट बताना है, आपको क्या क्या पसंद है। आपको यहाँ पर जो भी आपको पसंद है उस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, और अब हम यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर नोट पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर अब हम ट्राई म्यूट नाउ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ट्विटर अकाउंट बन चुका है, हमारी ट्विटर आईडी बन चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो इंडिया के टॉप ट्वीट हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपना ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। और अगर अभी भी आपको ट्विटर अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।